पढ़े लिखे समाज से जुड़ी एक और शर्मसार करने वाली खबर सामने आई। ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि डॉक्टर माता पिता का बेटा भी नेपाल से डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन इतना पढ़ा लिखा होने का क्या फायदा जब दहेज के लिए भूख ही शांत ना हो। दुल्हन के पिता से ही आप ये पूरा मामला जान लीजिए। जीवन साथी के थ्रू हमारा इनसे रिश्ता चालू हुआ, बात हुई, उसके बाद हम शादी के लिए एग्री हो गए दोनों पार्टी। फिर उन्होंने कहा अकेला चाइल्ड है, हमें बाहर डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है। उनके मुताबिक फिर गोवा का महंगा रिसोर्ट इन्होंने पसंद किया। वहाँ पे बीच में जब एंगेजमेंट हो चुकी थी उसके बाद इनकी थोड़ी डिमांडें चालू हुई। फिर हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, छोटी मोटी डिमांडें पूरी करते रहे उनकी। उसके बाद फिर शादी से पहले इन्होंने कहा कि मेरी पेमेंट नहीं आई है, 25 लाख रुपये आप ले आना, मैं आपको बाद में लौटा दूंगा। और इन्होंने रिसोर्ट के लिए भी कहा कि भाई एक दिन का खर्चा आप करेंगे, एक दिन का मैं करूंगा, लेकिन मोस्टली इन्होंने 2 दिन के बजाय 3 दिन का वहाँ प्रोग्राम कर दिया। जो बजट वहाँ तय हुआ था उससे दिखना बजट उन्होंने वहाँ लगवाया मेरा। और रिसोर्ट से विदा करने के बाद वहाँ पे फेरे के वक्त जो है BMW गाड़ी की डिमांड कर दी कि भाई हम जब लेके जाएंगे बेटी को, अगर आपने BMW दी नहीं तो हम छोड़ दें। मैंने रिक्वेस्ट करी इनसे, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, दिल्ली पहुँच के मैं 2-4 महीने में ये डिमांड भी पूरी करूँगा, आपकी कोशिश करूँगा। लेकिन इन्होंने उस टाइम तो वहाँ से चुपचाप रिसोर्ट से मेरे से बिना मिले बिना फ़ोन करे सुबह निकल गए। रिसोर्ट का जो इन्होंने पैसा देना था इन्होंने 1 रुपया वहाँ पर नहीं दिया। रिसोर्ट वालों ने हमें भी बंदी बना लिया लास्ट में। फिर बड़ी मुश्किल से हमने अपने रिश्तेदारों से कह के 30 लाख रुपये ट्रांसफ़र कराए एट द टाइम शाम को। और एयरपोर्ट पे अंदर चेकिंग करने के बाद लड़के जो बोला कि मैं अपना ट्राउज़र चेंज करके आ रहा हूँ, बाथरूम में अनकम्फर्टेबल हूँ, और वो गायब हो गया, फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया उसने। उसके बाद जब एयरपोर्ट पे से गायब हुआ लड़का, अंदर सिक्योरिटी चेक करने के बाद बोर्डिंग एरिया में बैठने के बाद जी, उसमें बेटी भी साथ थी, इनका परिवार था, इनके माता पिता, भुआ, मौसी, फूफा जी। नाम क्या क्या है इनके जो इस हिसार के रहने वाले? ये हिसार के रहने वाले लोग हैं, डॉक्टर आभा गुप्ता, डॉक्टर अरविंद गुप्ता इनके सास ससुर हैं। लड़के का नाम? लड़के का नाम अबीर कार्तिकेय है जी। पेशे से क्या है ये? पेशे से डॉक्टर हैं ये। लड़का भी काठमांडू में MD कर रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है वो जी। जब आपकी बेटी को छोड़कर फरार हो गए उसके बाद आपने हमने वहाँ पुलिस की CCTV दिखवाए तो वो अंदर जाता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने कहा 1500-1600 कैमरे हैं यहाँ पर, 1.5-2 घंटा वक्त लगेगा। तो इसी बीच 1 घंटा हो चुका था तो वो एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा था और रोड के परली तरफ क्रॉस कर चुका था, पैदल जा रहा था। फिर हमारे साथ जो 2-3 मेरे भतीजे भांजे थे हमने उसको रोकने की कोशिश की तो एकदम वो भागा बहुत ज़ोर से, तो वहाँ की स्थानीय पुलिस जो हमारे साथ थी और लोग जो खड़े थे वो जो है उसके पीछे भागे और स्कूटी से किसी वहाँ के शहर की आदमियों ने उसको घेरा। तब उसको वहाँ के गोवा एयरपोर्ट पुलिस ने उन्होंने वहाँ पर बिठाया। शादी कितनी तारीख को हुई थी वहाँ पर? वहाँ पर 25-26 जनवरी का प्रोग्राम था, 26 तारीख की फेरे हुए थे, 27 की सुबह ही विदा हुए थे वहाँ से। जो ये धोखाधड़ी और भागने की जो ये कब हुई घटना? ये 27 की दोपहर की 3 बजे की इनकी फ्लाइट थी। वैसे BMW डिमांड कर रहे थे, बेटी को बिदाने कर रहे थे। हाँ जी, हाँ लेने जा रहे थे। BMW की कार की डिमांड थी इनकी जो है उस टाइम, उससे पहले जो कैश की डिमांड इन्होंने बीच में रखी थी वो मैंने पूरी करी थी उनकी वहाँ जाके, और वो ना मिलने के कारण जो है इन्होंने जो है धोखाधड़ी। वैसे अब तक कितना कैश और क्या क्या दे चुके हैं? लगभग लगभग जो है 30-35 लाख रुपए कैश उनके पास पहुँचे हैं, बाकी गोल्ड भी हमारा काफ़ी इनके पास गया जो हमने एंगेजमेंट पे और उस पे दिया था सगाई पे। कुल मिलाकर कितनी राशि का सामान राशि चली गई इनके पास? राशि अप्रोक्सीमेट 40-45 लाख रुपये का गोल्ड और 25-1 लाख रुपए कैश, और प्लस जो और कपड़े वगैरह में हमारे जो 10-12 लाख का रक्षा खर्च हुए वो अलग, प्लस 1.12 करोड़ का रिसोर्ट का बिल। हाँ। वो सारा मैंने ही पे किया, इन्होंने 1 रुपया कोई पे कहीं नहीं किया। तो जब एयरपोर्ट से भागा तो उस समय लड़की को कहाँ ले जा रहा था ये? कोई लड़की को नहीं ले जा रहा था, लड़की को तो वहीं छोड़ गए। कहाँ? रिसोर्ट में? अंदर उसमें एयरपोर्ट के अंदर। बड़ी मुश्किल से वहाँ से विदा किए मैंने रिसोर्ट से। हाँ। और अंदर सिक्योरिटी चेकिंग कर ली इन सारे। ले जाने के लिए तो निकला था लड़की? ले जाने के लिए निकला था। कहाँ? दिल्ली आ रहा? दिल्ली आ रहे थे, दिल्ली एयरपोर्ट पर जो है। अच्छा, लेकिन वहाँ से अंदर एयरपोर्ट के अंदर से ये सारे जो है गायब हो गए, छोड़ गए अकेली लड़की को। जो गोवा पुलिस की मदद ली? गोवा पुलिस में हम गए थे, उन्होंने ज़्यादा हमारी हेल्प नहीं की, हमारी एप्लीकेशन रिसीव कर ली
कि भाई हमारे साथ ऐसे ऐसे चीटिंग करिए, धोखाधड़ी करिए, 420 की है उन लोगों ने, तो उन्होंने हमारी एप्लीकेशन रिसीव करके दे दी थी हमें। पर वो ये कह रहे थे कि यहाँ कोई एक्ट नहीं है, जहाँ पे शादी हुई है रिसोर्ट में या तो वहाँ FIR लॉज कराइए या आप जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ FIR लॉज कराइए। फरीदाबाद पुलिस को शिकायत दी है? हाँ शिकायत दी है, वहाँ FIR लॉज हो चुकी है। अभी इससे पहले 2-3 महीने हमने बहुत प्रयास, सामाजिक लोगों ने ही हम पे कहा कि भाई आपस में इसको कंप्रोमाइज़ करके ख़त्म कर लो, पुलिस कोर्ट कचहरी में ज़्यादा नहीं है, तो हम भी उसके लिए राजी हो गए थे, पर लेकिन वो उसके लिए भी राजी नहीं हुए किसी तरह से भी, तो हार के ये पुलिस कंप्लेंट जो है FIR लॉज हुई है अभी 3-4 दिन पहले जो है वहाँ पे। तो सास का भी कोई रोल था सीना झपटी में बता रहे कुछ ऐसे जी? जब एयरपोर्ट पे कुछ सामान ज्वेलरी से जो भरा बैग, ज्वेलरी से जो भरा बैग था जो था वो उसकी सास अपने साथ उनको ले गई, उसको उसके हाथ से निकाल के जो है चेंज कर ले चली। तो अभी यहाँ पर शिकायत दर्ज करा दी गई? हाँ शिकायत दर्ज करा। शिकायत जो जानकारी मिली है कि बेटी के साथ से गलत काम करने का प्रयास भी किया था जबरन? अब वो वहाँ पे बता रहे हैं, लेकिन बेटी ने हमें साझा नहीं किया था क्योंकि मैं हार्ट पेशेंट हूँ और हमारी छोटी दूसरी बेटी की भी शादी 9 मार्च की तय, इसकी छोटी बहन की शादी हो चुकी थी तय, तो उसने इस डर की वजह से कुछ नहीं बताया, घर में साझा नहीं किया। पर लेकिन अब वो कुछ बता रही है कि कुछ ऐसे इस तरह की कुछ उसके साथ घटना भी कुछ हुई है वहाँ पे। किस प्रकार की कार्रवाई, किस प्रकार न्याय चाहते हैं? अब तो हम ये चाहते हैं कि इनको सख्त से सख्त ऐसे समाज में लोगों को नहीं, मतलब जो है बहिष्कार किया जाए उन लोगों का, और सख्त से सख्त उनको मतलब कानून के हिसाब उनको सज़ा मिले, ताकि आगे वो किसी और कोई परिवार भी या वो लोग कहीं किसी और दूसरे के साथ चीटिंग ना कर सकें, इस तरह का व्यवहार ना कर सकें। जैसा मेरी नॉलेज में नहीं है कि धोखाधड़ी की है, पर लेकिन ज़्यादा नॉलेज है मुझे इस बारे में नहीं कुछ तरह का जो है। एक बेटी के पिता और एक बेटी होने के नाते बेटी ने अपनी, अगर उस जो पहले वाक्य घटा था उसके साथ अगर वो साझा कर देती शायद ये नौबत नहीं आती। हाँ शायद उस टाइम हम ये रिश्ता फिर जो है मतलब शायद आगे ना बढ़ पाता जो है, इस तरह की जो चीज़ हो जाती है। पर वो मेरे हार्ट पेशेंट को देखते हुए और छोटी बहन की शादी को देखते हुए वो सारी चीज़ अपने अकेले जो है। वहीं थाना प्रभारी नवीन कौशिक का कहना है कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी दूल्हे और उसके माता पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। देखिए हमें 3/2/2023 को एक कंप्लेंट आस्था गुप्ता ने दी थी जो कि सेक्टर 9 की रहने वाली लड़की है। उसने गोवा में जाकर शादी करी थी, शादी के बाद जो है जब वो अपने घर जाने के लगे दोनों पार्टियाँ, तो उसका हस्बैंड जो है उसको एयरपोर्ट पर छोड़कर, अकेली को छोड़कर जो है भाग गया था। उसके बाद जो है परिवार ने जो है वहाँ भी कंप्लेन दी थी एयरपोर्ट अथॉरिटी को, लेकिन उन्होंने कहा भी आप या अपने लोकल थाने में कंप्लेन करें या जहाँ पर शादी हुई है वहाँ करें। तो उसके बाद जो है वो 3/2 को हमारे पास आए थे, ये 26 जनवरी को शादी हुई थी। जैसे ही हमारे को कंप्लेंट इश्यू हुई उच्च अधिकारियों के संज्ञान में मामला लाकर हमने इसमें जो है जो भी दहेज के मामले में जो भी काउंसलिंग होती है वो काउंसलिंग की और दोनों पार्टियों को आपस में विचार विमर्श करने के लिए बिठाया, लेकिन उनकी आपस में सहमति नहीं बनी। और जिसके बाद जो है अभी 1 अप्रैल को जो है हमने एक अभियोग दर्ज किया है और इसमें हमने दहेज के सेक्शन में और स्नेचिंग और 377 में इसमें हमने FIR की है। कौन कौन सी धाराएं हैं सर बताएंगे? इसमें 323 है, 498 है, 377 है, 379A है। तो सर जिन्होंने ये इनके साथ फ्रॉड किया है ये कौन लोग हैं, कहाँ के रहने वाले और पेशे से क्या हैं? देखिए ये हिसार से हैं और इसके माँ बाप दोनों डॉक्टर हैं, लड़का भी जो है डॉक्टर का कोर्स कर रहा है काठमांडू से। जी कैसे संपर्क हुआ है इन दोनों परिवारों का? इनका जो है आपस में ऑनलाइन संपर्क हुआ है वेबसाइट के थ्रू। पीड़िता है वो भी क्या पेशे से डॉक्टर है? लड़की जो है वो भी रेडियोलॉजिस्ट है और अभी प्रैक्टिस कर रही है लड़की। तो क्या डिमांड की थी उन्होंने शादी में? जैसा कि शिकायतकर्ता ने हमें बताया है इसमें शादी के समय में उन्होंने BMW गाड़ी की मांग की थी और कुछ पैसे पहले ले चुके थे और 25 लाख रुपए की साथ में डिमांड की थी। तो अभी क्या किसी गिरफ्तारी हो पाई है? नहीं इसमें अभी लड़की की स्टेटमेंट हुई है और अभी कोर्ट में लड़की स्टेटमेंट बकाया है, उसके बाद जो है कोर्ट के दिशा निर्देशानुसार जो है लड़की के जो ससुराल वाले हैं उनको नोटिस दिया जाएगा और नोटिस देने के बाद जो नियमानुसार इसमें कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज भी दहेज जैसी कुप्रथा देश भर में दीमक की तरह चिपकी हुई है, पूरे तरीके से अब तक ये खत्म नहीं हुई। दहेज के लिए लोगों की भूख किसी की जिंदगी खराब कर देती है तो किसी की जिंदगी लील लेती है, लेकिन फिर भी ऐसी हरकत करने से लोग बाज नहीं आते। जरूरत है ऐसी कुप्रथा को देश से पूरे तरीके से खत्म करने की।
फरीदाबाद से अनिल राठी की रिपोर्ट, न्यूज 18 हरियाणा।